तमिल में फेस्टिवल हो गया, तेलुगु में फेस्टिवल हो गया, बॉलीवुड में फेस्टिवल हुआ ही नहीं है। हेलो एवरीवन, बॉलीवुड मैटनी वाले में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट फिल्मी सिकंदर। दोस्तों हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे कॉमन मैन एलेक्स भाई, और मैं आपको बता दूं सर कि मूवी विक्रम 200 करोड़ तमिलनाडु में कंप्लीट कर दिया। ये फर्स्ट मूवी बनी है जो कि 200 करोड़ मात्र 4 दिन में। उस पर आपकी क्या राय रहेगी? यार बोले तो करनी तो चाहिए थी 200 करोड़, बिकॉज 3 स्टारडम वाली मूवी है। बराबर है। विजय सेतुपति सर, कमल हसन साहब, फहद सर, तीनों के अलग अलग फैन बेस है। जी, तीनों के फैन बेस मूवी देखने गए तमिल में, धूम मच गया ना, कमाल ही ना, 200 करोड़ पार हो गई ना। क्या बोलूँ यार, मतलब तमिल में धूम मच गया, तमिल में फेस्टिवल हो गया, तेलुगु में फेस्टिवल हो गया, मेजर ने 50 करोड़ तक कर दिए, 30 करोड़ के बजट है, 50 करोड़ कमा लिया तेलुगु में। हिंदी में नहीं कमाई दोनों, चलेगा इतनी नहीं उनको। वैसे मैं बोला वो लोग चिल्लर जमा कर रहे हैं हिंदी मीडियम, मतलब डबिंग का पैसे निकाल रहे, वो भी निकल ही जाएगा, 2 करोड़ भी मिल गया उन लोगों को, बस हो गया, डबिंग का पैसे निकल गया उन लोग। बट बॉलीवुड में फेस्टिवल हुआ ही नहीं है। सोचो आप, एग्जांपल लो, विक्रम में 3 एक्टर थे बड़े बड़े, सम्राट आदित्यचौहान में 3 बड़े बड़े, सोनू सूद, अक्षय कुमार एंड संजय दत्त। विक्रम में तीनों के फैंस लोग गए मूवी देखने, कमल हसन साहब के, विजय सत्यपति सर के तो बहुत ही फ़ैन था मैं, बहुत ही, और अपने फहद सर के, फहद सर के तो मैंने पुष्पा में देख लिया था, तो इतने फैंस हमें, तो वो लोग भी गए रह गए मूवी देखने। तो अक्षय कुमार की जो मूवी है सम्राट आदित्यचौहान, इनके तीनों के फैंस किधर है? अरे हमारे, मतलब एक अशेम नाम की चीज़ है। और अक्षय कुमार ने तमिल में वो पिक्चर निकाला है, तेलुगु में निकाल रहे हैं, और हिंदी में भी नहीं चल रही है। तो यार मतलब एक अशेम हो गया तमिल और तेलुगु लोग के सामने है कि भाई सम्राट आदित्यचौहान की मूवी है और चल नहीं रही है। तो कुछ बोलना ही नहीं अभी सम्राट आदित्यचौहान, क्योंकि पब्लिक वैसे भी हम लोग पे, मतलब बोले कि हम लोग ट्रोल कर रहे हैं, पर जो रियलिटी हम लोग बोलते हैं उन लोग को वो भी बुरा लगता है। क्या बोलते हैं लोग, 2 मूवी फ्लॉप हो गए थे, अक्षय कुमार का करियर गया। मैं ऐसे नहीं बोल रहा अक्षय कुमार का करियर गया है, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, तो उनका मूवी चूज़ करना ना भी बहुत गलत टाइम हो गया है। मतलब मूवी भी अच्छा चूज़ करते हैं ना 30 दिन में ख़त्म करते, ये पॉइंट है मेरा जो नहीं करना चाहिए। और स्टोरी मूवी 40 दिन का नतीजा देखो, अभी तक 40-50 में कमा रही, आगे बढ़ी नहीं रही है। अभी आज का कलेक्शन देखते हैं कितना होता है, बतलेट सी, मतलब बोल तो सकते नहीं 300 करोड़ होएगा, क्योंकि अभी चार्ली भाई आ रहे हैं 2 दिन में। तो यार थोड़ा मुश्किल तो लग रहा है, और अभी भी थिएटर में भूल ही चल रही ज़्यादा। सोच लो ना 160 करोड़ कमा रही, और कहा मतलब 40 करोड़ सम्राट बॉलीवुड की फिल्म बोल रहा हूँ का, ये चलो कंपेयर भी नहीं कर रहा, कलेक्शन की बात कर रहा। मैं तो बोलेगा कंपेयर कर रहे कार्तिक को, नहीं कंपेरिजन नहीं चल रहा है, कलेक्शन की बात कर रहा। मैंने तो सोचा कि बुलबुला 2 करी, अक्षय कुमार सर खोले तोड़ेंगे, सोचे कि यार मेरी बुलबुला की सीरीज़ के उसने हिट किया तो क्रोध आ गया, क्योंकि मैं अभी सम्राट सोचा कि मार्केट होगा। क्या हो गया भाई, क्या हो गया? मतलब मेरे को लगता है पब्लिक तो एकदम समझदार हो गई है, मेरे को लग ही रहा है। क्या मालूम उनको, मतलब एक्टर लोग से चिढ़ हो गया है किस बेस, क्योंकि एक टाइम पे अक्षय कुमार का स्टारडम देखे जाएगा तो कंटिन्यू 14 मूवी उन्होंने हिट दिया था, कितनी सारी, मतलब देखे जाएगी तो उन्होंने, चलो साल में 4 पिक्चर भी वो टाइम पे निकलते थे फिर भी चारों हिट रहती थी। अब रुस्तम देख लो, टॉयलेट प्रेम कथा देख लो, पैडमैन देख लो, पैडमैन में जो लास्ट में डायलॉग मारते हैं ना कि आई डिडंट स्टडी आईएसएस, आई स्टडी मी, क्या मतलब पब्लिक तालियां मार दी थी उस सिटी पे, सिटियां तालियां मार दी थी वो डायलॉग पे। फिर और भी क्या, कितनी सारी मूवी है, हॉलीडे तो रीमेक थी उनकी, उन्होंने नेशनलिटी वाली जो, मतलब एक मतलब वो बोलते हैं ना सोशल मैसेज रहता है, वो बहुत वाली मूवी बनाई, पर अभी उनकी मूवी चली नहीं रही है, पता नहीं क्यों 2 मूवी नहीं चली। फिर भी थोड़ा अशेम लगता है यार कि मतलब अशेम मूवी की भी बात नहीं करता, चलो ठीक है एक आध हो जाता है, पर स्टारडम किधर है? स्टारडम तो रहना चाहिए ना थिएटर में, कम से कम स्टारडम अगर बोले तो एक टाइम तो वॉच कर लेगी ना मूवी, भले कितने भी बकवास मूवी हो कोई एक्टर की। अभी आप एग्जांपल सलमान खान का रेस्ट्री और ट्यूबलाइट ले लो, कितनी भी वो बकवास मूवी थी, मजा नहीं आया, कॉन्सेप्ट भी इतना खास नहीं था, फिर भी पब्लिक एक बार देखने गई थी और 100 करोड़ पार कर दी थी वो मूवी ने। बट वेर इज अक्षय कुमार फैंस? बस वो लोग कमेंट पास कर रहे हैं, नेगेटिविटी फैला रहे हैं, हम लोग तो नेगेटिविटी फैला रहे भाई, पर नेगेटिविटी नहीं रियलिटी भाई, तुम खुद आँख खोल के देखो यार, कुछ ट्रोल नहीं कर रहा है। अक्षय कुमार मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत, मैं उनकी मूवीज़ हर मूवी उनके थिएटर में देखता हूँ, हर मूवी, याद है तो OTT में लक्ष्मी और बेल बॉटम भी देखा था मैंने, सोचो हर मूवी, एक भी मूवी नहीं छोड़ता हूँ, तो मैं कैसे वो इंसान को ट्रोल करूँगा मैं? पर अभी वो जो इस तरह से कर रहे हैं ना बहुत गलत कर रहे हैं, और जो सच है सच है, 40 दिन में एक मूवी कर रहे हैं, 30 दिन में एक मूवी कर रहे हैं, कैसा चलेगा भाई? साल में 2 मूवी करो ना तुम, ब्लॉकबस्टर होगी तुम्हारी मूवी। अभी वो ऐसा नहीं है कि तुम्हारी जो पुरानी जो 4 मूवी चल रही थी वैसा वही, मतलब हमेशा वैसे ही चलते रहे, कभी कभी उस नीचे चलते रहते, वो ऊपर नीचे होते रहते हैं। अभी सलमान खान सर का भी करियर डाउन है, देखो ना राधे आइटम, अभी देखते कभी कभी दिवाली आने वाली है, कैसे बनती हो कैसे। शाहरुख खान वो सबसे बेस्ट है, 0 मूवी से 0 हो गए हो, पब्लिक ने बोल दिया 0 मूवी लास्ट है, 0 ही हो गया हो एक्टर,
पर अभी जो आ रहे हो अगले साल धमाका लेके, सोचो इतना गैप लेके, OTT पे भी एक मूवी नहीं उनकी, चार साल का गैप लेके, दो साल तो लॉकडाउन में समझता हो, पर OTT पे भी कुछ नहीं आया उनका। बहुत सारे सब एक्टर के आए पर शाहरुख खान को छोड़ के, उनकी सिर्फ एडवर्टाइजिंग आई रहेगी, बाकी कुछ नहीं आई रहेगी, या फिर कैमियो आया रहेगा कोई भी मूवी, बट कैमियो भी नहीं आया, कैमियो भी इतना आया नहीं, हाँ कैमियो तो एक भी नहीं आया, बट अभी जो आ रहे हैं, और देख लो तुम, मैं सच्चाई बोल रहा हूँ, किसके साथ वो काम कर चुके हैं, मतलब चार साल में, सिद्धार्थ आनंद जिन्होंने वॉर और बैंग बैंग बनाया, पठान बन आई है, फिर बाद में वो डंकी आ रही है, राजकुमार हिरोनी सर, सल्यूट है उन, वो डायरेक्टर सल्यूट है जो एकदम ब्लॉकबस्टर मूवी थी, फिर बाद में बना रहे जवान, जो जवान के जवान ही दिख रहे, और बना रहे एटली के साथ जिन्होंने मार्शल मूवी बनाया, और इसके मूवी के अंदर अगर विजय तेलुपति का कैमियो आ गया ना, तो यार विजय तेलुपति के फैंस तो बहुत ही है, तो शाहरुख खान की तो मूवी तोड़म फाड़ कर देगी, विजय तेलुपति को लेके भी पैन इंडिया रिलीज हो रही है, पर उसको तो पैन इंडिया की जरूरत भी नहीं है शाहरुख खान को तो यार पूरी दुनिया चाहती है उनको, वो तो भाई अलग ही स्टारडम है उनका, पर वो पता नहीं थिएटर में क्यों नहीं दिखता उनका स्टारडम मैं तो इधर मन्नत की इधर ही रहता हूँ, मन्नत की बाहर देखो कितना स्टारडम रहता है, बट जो कपास बट सच में अक्षय कुमार को भी ऐसा सोचना चाहिए, कोई भी डायरेक्टर के साथ लेके मूवी नहीं बना देना चाहिए, आपको कैसे पैसे से प्यार है, फैंस लोग से कोई लेना देना नहीं है, फैंस लोग को क्या पसंद है क्या वो देखना ही नहीं है, फैंस लोग बोल रहे यार हेरा फेरी 3 कब आएगा यार, 15 साल हो गए, 15 साल बाद भूल भुलैया 2 कोई और एक्टर लेके गया, आपका जैसे हेरा फेरी 3 कोई और एक्टर लेके आके कुछ भी बना के फ्लॉप कर दो सीरीज़ को, अब नहीं चाहते हो सीरीज फ्लॉप हो यार, हेरा फेरी एक ब्रांड बोलते हैं, ब्रांड बोले तो पार्ट 1 जो थी ना यार कबीरा स्पीकिंग, सोचो ना, तो यार बॉलीवुड में तो यार फेस्टिवल हुआ ही नहीं ये टाइम, और नसीब अच्छा कि कुछ फेस्टिवल का सीज़न भी नहीं था, नहीं तो यार पूरा अशर्म हो जाता है, फेस्टिवल सीजन में फेस्टिवल के टाइम पे भी कोई मूवी नहीं चल रही बॉलीवुड में, तो बिना फेस्टिवल फेस्टिवल हो गई ना, अरे उधर तो मूवी भगवान मान लिया एक्टर को, फेस्टिवल बना ही लिया, मतलब समझ लो एक मतलब बोलते ना एक गॉड का मतलब बर्थडे है कुछ हो, मतलब अपना कमल हसन साहब भगवान है, विजय सेतुपति सर भगवान है, दूध भी चढ़ा हार चढ़ा के चलो अभी नारियल फोड़ के मूवी देखने चले गए, ये बोलते स्टारडम भाई, ये बोलते हैं स्टारडम, अक्षय कुमार के स्टारडम है पर थिएटर में क्यों नहीं मुझे समझ में नहीं आ रहे, अगर होते तो आज मूवी ना आज 100 या 120 करोड़ होनी चाहिए, जो अभी 50 में भी नहीं हो रही है, 50 भी नहीं हुई है अभी तक, सो वेरी असेम, पर अक्षय कुमार फैंस को बोलेगा देखो हम लोग मेरे को अक्षय कुमार भी पसंद है, तो मैं ट्रोल नहीं करूँ, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, कल अक्षय कुमार के अलावा कोई और एक्टर भी रहेगा ना, सलमान शाहरुख या फिर अपना अजय देवगन, अभी अजय देवगन के बारे में मैंने बोला था रणवीर अच्छी है, पब्लिक गई देखने, मेरे को कौन से अच्छी लगी, मेरे को शमर प्रीतम भी अच्छी लगी थी, मैंने बोला ये एक्टर की एक्टिंग अच्छी है, बट पब्लिक ही नहीं गई, तो यार थोड़ा मतलब ऐसा लग रहा है कि यार मतलब बॉलीवुड तो अभी पूरा मतलब मैं बोले ना कमबैक है ही नहीं बॉलीवुड का, बोल रहे थे पब्लिक कार्तिक ने बॉलीवुड का कमबैक लाया, कार्तिक आर्यन इज बैक इन बॉलीवुड नॉट बॉलीवुड, बॉलीवुड इंडस्ट्री में लगता है थोड़ा पीछे जा ही रहे कि साउथ वाले आगे आते रहे, अभी देखो ना ये विक्रम इसने तो मार ही लिया, चलो हिंदी में तो नहीं चली इतनी पर उधर तो चली गई ना, इधर की ऑडियंस जितने लोग ने मेजर और विक्रम देखे रह गए उन्हें तो अच्छा ही रिव्यू दिया उनका, कोई नेगेटिव रिव्यू मेरे को मिला ही नहीं आज मेजर और इसका जिन लोगों ने भी देखा है अभी तक, दूसरे अभी आ रहे चार्ली भाई और उनके साथ में जनहित में जा रही आ रही मूवी, तो मतलब क्या पता अभी वो मूवी चलनी चाहिए जनहित में जा रही, नुसरत की मूवी है, सो लेट्स सी अभी अगले हफ्ते क्या शोर मचाते, क्योंकि वीक तो फिर से बॉलीवुड गया, मतलब हर हफ्ते में सोचते ये बॉलीवुड की चलनी चाहिए, पर एट द एंड संडे को पता चल रहा है कि ये भी गई, खुश हो गई टाई टाई खुश, चलो ठीक है कोई बात नहीं, अभी कोई वर्ड्स ही नहीं बोलने के लिए, विक्रम के लिए तो कॉन्ग्रेचुलेशन बोलूँगा 200 करोड़ पार हो गए, तमिल वाले लोग को हिंदी में तो किसी ने देखा नहीं, मेजर को भी कॉन्ग्रेचुलेशन, सम्राट पृथ्वीराज चौहान को कॉन्ग्रेच क्या बोलूँ मैं, 50 करोड़ में 50-50 खेल रहे हो तो चलिए ठीक है ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।